सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखो हम जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी शॉप की तरफ। अभी हम हैं बड़ी ब्राह्मणा वाली साइड। तो भाई कुछ काम पड़ गया था, उस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। एंड बाइक देख ही सकते हैं, अपनी बुलेट है। आपने ये बुलेट मुझे चलाते हुए बहुत कम देखा होगा, बिकॉज ये बड़ा भाई चलाता है, ये मैं कम ही चलाता हूँ। एंड अभी हम जा रहे हैं शॉप की तरफ, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना लिया जाए, बिकॉज टाइम मिलता नहीं है दुकान से। सो कभी कभार जितना टाइम मिलता है उतने में आप लोगों के लिए एक ब्लॉग ही सही। सो भाई एक बात बताना चाहूँ, बुलेट अपने सेगमेंट में बेस्ट है, और जो डोमिनार है वो अपनी यार तबाही है यार। सीरियसली ये फैक्ट है लाइफ का, जो मैंने अपने साथ देखा है। बिकॉज जैसे ही आप सबने अगर मेरी वीडियो देखी होगी ले लद्दाख वाली, वहाँ पर मैंने देखा कि बुलेट ने एक टाइम पर ऐसा आया कि उसने अपनी सांसें छोड़ दी है ना, जैसे बोलते हैं वैसा हो गया था। बाइक पिकअप नहीं ले रही थी, कुछ पावर नहीं आ रही थी, एंड माइलेज तो भूल के आप सोचो ही मत उस बारे में। मीन्स 25-30 KMPL माइलेज बुलेट से, और डोमिनार से 50 KMPL। यार कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। लोग सोचेंगे ये पागल है, ये गलत बोल रहा है, बट ये फैक्ट है। तो अब जो सीन है ना, मैं आपको ना जैसे मेरा लेह लद्दाख की जो भी ट्रिप थी उसकी चीज़ें मैं आपको राइड करते हुए ही बता दूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ पूरी जर्नी। जम्मू से मैं सिन्नर तक गया। सिन्नर में हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टे हो गया था किसी की तरफ से, उन अंकल को थैंक यू। एंड देन उसके बाद हम रुके थे कारगिल। कारगिल में हमने रुके थे जोजीला रेजिडेंसी, एंड वहाँ पे भी हमारा रेट ऑलमोस्ट 50% हो चुका हुआ था कि पर पर्सन हमें 12,1250 पे करना पड़ा, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। सो आप बताइए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो वो भी हमारा बहुत अच्छा स्टे था, बहुत अच्छा होटल था। बाकी मैं आपको अगर फोटोज़ मेरे पास कोई पड़ी होंगी तो मैं आपको आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। एंड वो होटल तो मेरे को 1,000 रुपीज़ में पड़ा, जो कि बिल्कुल ही मैं बोलूँ बेस्ट से बेस्ट होटल मेरा अभी तक का था। और क्या व्यू था वहाँ का, जो सर ने मुझे रूम दिया था। देन हमारा कारगिल में से निकलने के बाद हमारा जो लेह लद्दाख में स्टे था वो हमारा था एक नॉर्मल होटल में हमने स्टे किया था, बट वहाँ पे हमने आई थिंक हमने पे किया था 1,500 रुपीज़, एंड 2% थे तो काउंटी करके 750 तक का आपको पड़ जाता है एक रूम उसमें आपको। लेकिन आपको कुछ ब्रेकफास्ट या डिनर या कुछ नहीं मिलेगा, बट उन भाई ने हमें चाय सुबह की मॉर्निंग टी वो दे दी, और क्या चाहिए था। और वो भाई भी मोस्टली लोग जम्मू के हैं या जम्मू आते रहते हैं, तो सब ने बहुत अच्छे से फेवर दिया, हेल्प किया। एंड देन उसके बाद हमारे एक सर हैं, उनका नाम है राहुल सर, एंड उनके होटल में मैंने स्टे किया। होटल कोजी कॉर्नर है, वो आपको ले की मेन मार्केट में मिल जाएगा। एंड होटल भी अच्छा था, रूम भी अच्छे थे, फूड भी अच्छा था, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और फूड के प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे भाई। एंड देन हमने पता क्या किया, उस दिन हमें थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो सोचते हैं कि लोकल साइट सीन कर लें। उस दिन हमने लोकल साइट सीन किया। देन नेक्स्ट डे हम निकले हम नूबरा वैली के लिए। जैसे आपने देखी होगी मेरी वीडियोज़, कहाँ जा रहा है ये देखो, ये हालत है इन लोगों की, मतलब पूरा रॉन्ग साइड पे आके फिर ये मारते हैं, फिर ये बोलते हैं कि भैया गलती सामने वाले की थी। सो भाई इधर मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ के लोगों को तमीज़ ही नहीं है। मेरी स्पीड देखो अभी कम है, अगर मेरी ज़्यादा होती तो ऐसे बंदे तो मार ही दें टोटली। सो भाई हम नूबरा निकले। जैसे ही आपने वीडियो देखी होगी नूबरा के बाद पैंगोंग, जो पैंगोंग के बाद मेरे साथ सीन हुआ ना, वो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि चलो मैं सबके साथ शेयर कर लेता हूँ, आज सफ़र भी लंबा है तो हमारी जो बात है वो भी लंबे होने वाली है। बिकॉज जो इस पूरे 10 दिन की जर्नी को मैं अगर 10 मिनट भी ना दे पाऊँ तो क्या फ़ायदा उस बात का यार। क्योंकि देखो वहाँ पे हमें बताना चाहता हूँ कि जो हमारी गलती ये हुई कि आप कभी भी आप ट्रैवल करेंगे इवनिंग टाइम पे मत सोचिएगा कहीं पे भी ट्रैवल करने का, बिकॉज मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा, आपको नहीं मालूम और रास्ता नहीं समझ आएगा तो भटक जाएंगे, कुछ भी हो सकता है यार। इवनिंग टाइम पे मत ट्रैवल कीजिए, कोई हेल्प नहीं मिलेगा। एंड हम पैंगोंग से निकले हम वापस अपने लेह लद्दाख के लिए, बट वो गलती हमारी होगी कि हम 5-5:30 बजे निकले। 5-5:30 बजे तो हम निकल तो गए, लेकिन हमारे साथ ये सीन हो गया कि भाई थोड़ा जैसे हमने 6:30 तक किया, आपको पता पहाड़ी एरिया में मौसम बदलते टाइम नहीं लगता, जैसे मौसम बदल गया ना तो मौसम बदल गया भाई। हमने 20-30 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया। जब हमने वो ट्रैवल करने के बाद हमने देखा कि भाई मौसम हो गया ख़राब। हमने पहले हल्की हल्की बारिश हुई तो मैंने रेनकोट पहन लिया। जब मैंने रेनकोट पहना तो थोड़ा आगे निकले, वहाँ पे साइड पर जैसे ये रोड चल रही है ना, साइड पे एकदम से पानी वाली जगह थी, वहाँ पे मैंने खुद उसको अपने सामने सामने उसको बर्फ़ बनते हुए देखा। और जब उसको देखा तो मैं एकदम से शॉक हो गया, डर गया।
कि भाई आप समझ सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वैसा कुछ सोर्स नहीं था अपने आप को सर्वाइव करने देने के लिए। मेरी बाइक में तेल जो था ख़त्म हो चुका था, खाना बहुत थोड़ा बहुत था, बट खाना क्या करता जब इतनी ठंड में, मेरे से रहा ही नहीं जाता क्योंकि मैं काम पर आता उस टाइम पे। तो ये अभी तक मैंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं किया, तो ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एकदम से माइनस में चले गया, नेटवर्क जीरो, ऑक्सीजन लेवल कम, बाइक में पेट्रोल कम। फिर बाइक चढ़े ना, मेरी बाइक तो डोमिनार ने कोई वो नहीं प्रॉब्लम की, बट सर के पास थी बुलेट बाइक, तो उस बुलेट बाइक का ये हो रहा था कि वो चल नहीं रही थी, मतलब कि जैसे कि बड़ी दब दब के चलती है ना, वैसा वाला ये सीन हो गया था। तो जब मैंने देखा पीछे अपना कि सर आ रहे नहीं आ रहे, जब मैंने देखा सर आए नहीं और मैं डर गया एकदम से, मैं चलो फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करने के लिए नेटवर्क देखा, नेटवर्क नहीं, अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल अंधेरा यार। ऊपर से जैसे ये बिल्कुल प्यारी रोड है यार, वो रोड पूरी टूटी हुई और चढ़ाई एकदम से, नीचे खाई, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग का सीन। तो मतलब कि ऑलमोस्ट लाइफ को मैंने अपने एंड पे, जैसे मैं होता हूँ एंड पे, लाइफ के एंड पे था कि मुझे पता अब इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सब ख़त्म है। तो कुछ लोगों ने जो कि लेह लद्दाख के थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। उस टाइम पे मैं काम पर रहा था ठंड के मारे, एंड कपड़े इतना कुछ था नहीं, था भी जो मेरे पास वो भी मैं ऐसा था कि मैं एक तरह से पता नहीं फिज़िकली क्या हो गया मुझे एकदम से, मुझे समझ नहीं आया। मेरा मतलब कि मेरे बैग में कुछ अगर था भी ना, मैं उसको निकाल नहीं पा रहा था, मतलब कि टोटली फ्रीज हो चुका हुआ था मैं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार अब ख़त्म है सब कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो अब ऊपर वाले को याद कर लेते हैं, घर वालों को याद कर लेते हैं। तो ये फैक्ट है, ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ बना के या कुछ कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने अपनी अंतिम जैसे होता ना वक्त, वो था मेरा एक तरह से, मैं वो सोच रहा था। तो जब ये मेरे घर वाले मेरी वीडियो देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि इसने हमें नहीं बताया अभी तक। अभी तक बेसिकली मैंने बड़े कम लोगों के साथ शेयर किया ये सोच, तो ऐसा कुछ फीलिंग थी यार माइंड में। और ले लद्दाख हम थे पेंगोंग से ले के रास्ते में, और ले वहाँ से था 100+ किलोमीटर्स, और रोड 90% ख़राब थी, जिसमें थी चढ़ाई, ऑक्सीजन लेवल कम, माइनस में टेम्परेचर, और पेट्रोल कम, मतलब हर एक चीज़ में ना सब कुछ कुछ भी नहीं बचा हुआ था यार। तो मैं ये बेसिकली मेरे साथ जो सीन हुआ, मैं नहीं चाहता किसी के साथ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी इवनिंग टाइम ट्रैवल मत कीजिए। अगर आप कहीं पे ले लद्दाख या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठिए 8-9 बजे, 8-9 बजे के बाद रेडी होने के बाद आराम से 9-10 बजे अपनी जर्नी शुरू कीजिए, एंड 4, 5, 6, 7, 8 बस इतने बजे तक अपना कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से रेस्ट कीजिए, अपना व्लॉग एडिट कीजिए, अपना एंजॉय करना एंजॉय कीजिए, जो करना कीजिए भाई, कोई टेंशन नहीं है। सो ये कुछ एक छोटा सा था यार, देखो मेरी 10 दिन की जर्नी को मैं आपको इतना छोटा करके बता रहा हूँ, अगर ये भी आप पूरा नहीं देख पाओ तो क्या ही बोलूँ मैं। तो बाकी बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं भाई आते हुए, मेरे साथ और भी बहुत सारे गंदे वाले चैलेंज थे। जोजीला में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, एंड बारिश की वजह से कीचड़ बना था, बाइक एक तरफ से नीचे खाई में जा रही थी। उसके बाद पूरा सिन्नर तक हमारी रोड पूरी खाली थी, सुनसान पड़ा था, हम डर रहे थे कि हमारे सिवा कोई है नहीं है, क्या अगर कल को कुछ हो जाए तो क्या होगा। एंड देन पता क्या हुआ, उसके बाद जब हम बनिहाल वाली साइड पहुँचे, क्योंकि मीडिया में आया था कि पत्नीटॉप वाली साइड का रोड ख़राब है, वहाँ पे ये नहीं बताया कि बनिहाल, रामबन, ये सब की हालत बुरी है। और जब आपने वो भी वीडियो मैंने अपलोड की है, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो में जो मेरी हालत, उस वीडियो में देखो तब तो बस ये था टारगेट हमारे माइंड में कि घर पहुंच जाना है सही सलामत, क्योंकि फिर कभी अगर देखो ज़िंदगी रही तो हम 10 बार आ जाएंगे, अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो सपने का भी क्या करेंगे, सपना फिर सपना ही रह जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार, हमने सुबह ट्रैवल करना शुरू किया, एंड जब तक एक डेस्टिनेशन नहीं पहुँचे हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, मतलब खाली पेट हम सिर्फ ट्रैवल किए जा रहे थे। क्योंकि लाइफ को हमने जो मैंने देखा था ना यार, मैं अपने एंड से तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, जो मेरे सर थे उनका मुझे मालूम नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ का आखिरी वक्त देखा है, तो मैं नहीं चाहता कोई मेरी तरह जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हो। तो ये वीडियो आपके काम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जाइए सोच समझ के जाइए, मौसम देख लीजिएगा इन फ्यूचर 10-15 डेज़ का, एंड अपने साथ अच्छी चीज़ें कैरी कीजिए, ठंडा पानी कैरी कीजिए। मेरे को इवन कि मेरे घर वालों ने पीनट्स ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट्स रखा था, लेकिन यार कुछ ऐसा हो गया कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो मैं आपको लफ्ज़ों में बता सकता हूँ, लेकिन सही जो मेरे साथ हुआ वो आपको वैसा बता पोर्ट्रेट नहीं कर सकता। एंड उस टाइम पर ऐसा सीन था कि मैं अपना कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहा था यार, मतलब कि
आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे मेरे साथ क्या सीन हो रहा था, जो समझने वाले हैं बेसिकली। सो आप बताइए ये वाला आपको व्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगता है जब कोई मुझे कमेंट करता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।